चल एक्सेल तो डाल दिया, बेस बेस तो ब्यूरेट में है ना। साले ने पिछली बार फेल किया था, आया इस बार सही कलर आ जाए। देखो आ गया सर। वाव सुपर ऑसम, क्या बात है। थैंक यू सर, तुम्हें तो पूरे 10 मार्क मिलेंगे 50 में से। क्या बनाया है यहाँ? अबे टाइट्रेशन पॉइंट कब का निकल गया, गोवा भी पहुंच गया है। पकड़े सर वो ये सर। अबे निकल शरबत, क्या साला शरबत बनाते हैं और बोलते सॉल्यूशन है। 90% आया नहीं कि साइंस लेने। हाँ क्या वो आज का टॉपिक है लायबिलिटीज एंड एसेट, ठीक है? तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये तुम लोग एक्सप्लेन करोगे। कौन करेगा एक्सप्लेन? अबे मुंह छुपा ना भैया, निकलेगी। आशीष बता, What is the difference between liabilities and assets? सर अभी देखो सर कैसा है सर, liability liability है सर, asset asset है, liability बड़ा है, asset छोटा है, बड़े छोटे में difference देखते नहीं, बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है, तो बड़े छोटे में क्या difference सर? यही difference है। ताली बजाओ यार, इतना अच्छा answer दिया यार, ताली बजाओ यार। तो बेटा उठ, आंसर बता नहीं तो बीके में फेल कर दूंगा। मतलब मैंने आपको सही जवाब नहीं दिया तो आप मेरे को फेल करोगे ना? हाँ ठीक है, मैं आपको सही जवाब देता हूँ। सर कुछ दिनों पहले आपके फोन नाम के एसेट पर आपकी लायबिलिटी पूजा का मैसेज आया था, जिससे आपने लोन के नाम पे न्यूड्स मांगे थे। बोलो आपको स्क्रीनशॉट के नाम का रेंट दूं सर? अरे बेटा नाराज हो गया बच्चा, अरे बैठ बेटा बैठ, 100 मार्क्स बच्चे को 100 मार्क्स, अगले 10 साल तक 100 मिलेंगे बेटा, चुप करके बेटा आराम से बेटा।